Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video for the mission MPPSC 2020 Unit 10, that is National Commission for Scheduled Tribe. इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. मैंने आपसे ये भी कहा था नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. इन तीनों में चेंजेस सिर्फ शब्दों के आएंगे. बट बिफोर नोइंग अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, हमें ये पता होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स हैं कौन, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, मींस द हिस्ट्री रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब्स. इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, आर्टिकल 338 में दिया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338A में दिया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड आर्टिकल 338B में दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर होंगी. इसके थ्रू जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है तो ये बॉडी कैसी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संविधानिक निकाय हो गई या संवैधानिक निकाय हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई. तो हम पढ़ लेते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कि ये है क्या, कहाँ से आते हैं. एज पर सेंसस ऑफ 1931 पहली बार शेड्यूल ट्राइब्स को टर्म दिया गया था बैकवर्ड ट्राइब लिविंग इन द एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज और द रिमोट एरियाज. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैकवर्ड ट्राइब्स इन प्रोविंशियल असेंबलीज में पहली बार बैकवर्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था. कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू. The Constitution does not define, Constitution में कहीं भी Scheduled Tribe की definition नहीं लिखी है. The Constitution does not define the criteria for recognition of Scheduled Tribe and hence the definition contained in 1931 census was used in initial years after independence. Independence के बाद कुछ साल तक जो Scheduled Tribe की definition थी वो census 1931 में जिस तरीके से ली गई थी backward tribes को वैसे ही लिया गया. However, Article 366 के 25th of the Constitution only provides process to define Scheduled Tribe. Scheduled Tribe को define करने के लिए Article 336-25 में ही दिया गया है कि Scheduled Tribe means such tribes or tribal communities or parts of or group within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to the Scheduled Tribes for the purpose of this Constitution. Article 342 में जो चीज़ दी है, accordingly Scheduled Tribe उसे ही कहा जाएगा. अब Article 342 के A में भी कुछ दिया गया है. Article 342-1 में क्या कहा गया है? कि President किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को शेड्यूल ट्राइब घोषित कर सकता है गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद. और कैसे घोषित करेगा? वो पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू. लेकिन वो जो शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जाएगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट या उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए ही सिर्फ होगा. मींस द प्रेसिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज अ स्टेट After consultation with the governor by a public notification specify the tribes or tribal community or part of or group within tribes or tribal community as scheduled tribe in relation to that state or union territory. Get it? There are over 700 tribal which have been notified. Aaj ki date tak over 700 tribes हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, नोटिफाई कर चुके हैं, हम मतलब हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट साहब कर चुके हैं. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज दैट इज 62 आर फाउंड इन उड़ीसा. सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहाँ पर रहती हैं? उड़ीसा में रहती हैं. और वो कितनी है? 62. नो ट्राइब वॉज आइडेंटिफाइड इन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुदुचेरी. पौंडीचेरी लिखा हुआ है बट इट्स न्यू नेम इज पुदुचेरी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट पुदुचेरी. कोई भी ट्राइब हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में नहीं मिलती हैं. फ्यू रिलेटेड कमिटीज, इससे रिलेटेड कुछ कमिटीज़ भी हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं. द लोकर कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी है, पेपर में पूछ सकता है कि लोकर कमेटी किससे रिलेटेड है. कब आई थी? 1965. वॉज सेटअप टू लुक इन टू क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग शेड्यूल ट्राइब. शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए उसके लिए लोकर कमेटी बनाई गई थी. द कमेटी रिकमेंडेड 5 क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन, नेमली प्रिमिटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका कल्चर कैसा होगा, अलग कल्चर होगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वो बाकी लोगों से अलग रहते हैं, शाइनेस टू कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटीज एट लार्ज, ज़्यादा बहुत तादाद में लोगों से मिलते समय वो उनमें बहुत शाइनेस रहेगी, एंड बैकवर्डनेस और पिछड़ापन. ये उनने कुछ
आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या उनकी डेफिनेशन होनी चाहिए, ये लोकर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। नेक्स्ट है भूरिया कमीशन, जो कब आई थी 2002 से 2004 तक के लिए, फोकस्ड ऑन द वाइड रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम द फिफ्थ शेड्यूल टू ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन, द वर्किंग ऑफ पंचायत एंड द स्टेटस ऑफ ट्राइबल वेमेन। अ हाई लेवल कमिटी HLC इन 2013 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर वर्जीनियस जागजा वॉज कंस्टिट्यूटेड टू स्टडी द फाइव क्राइटेरियन क्रिटिकल इशूज रिलेटेड टू ट्राइबल कम्युनिटीज। पांच क्रिटिकल इशूज थे, उनकी स्टडी से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी HLC 2003 में, जिसकी चेयरमैनशिप किसके अंडर बनाई गई थी, प्रोफेसर वर्जीनियस जागजा। और वो पांच टॉपिक क्या थे, पांच इश्यूज क्या थे, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एजुकेशन, तीसरी हेल्थ, चौथा इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन एंड द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ये कुछ टॉपिक्स थे जिसके थ्रू ये कमिटी को बनाया गया था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। सो फ्यू की पॉइंट्स बिफोर स्टडिंग द की पॉइंट्स, और वी कैन डायरेक्टली स्टडी द की पॉइंट्स। मैंने आपको बता दिया था इसकी स्थापना कब हुई थी, सेम एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में हमने जो पढ़ा। इसकी स्थापना अगर कोई पूछता है तो 1978, प्रेजेंट अगर वर्तमान स्वरूप प्रेजेंट फॉर्म अगर देखें तो फेब्रुअरी 2004, हमें सबको पता है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू दो NCST और NCCT दोनों को अलग अलग कमीशन बना दिए गए थे। इसका बेसिस अगर हम पूछें, इसका आधार अगर कोई पूछता है तो आर्टिकल 338A पार्ट 16 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। मिनिस्ट्री किसके अंदर में आता है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा तो दिल्ली में होगा। रीजनल हेडक्वार्टर्स कहां पर होंगे तो मध्य प्रदेश, जयपुर ऑफ राजस्थान, रांची झारखंड, भुवनेश्वर ऑफ उड़ीसा, रायपुर ऑफ छत्तीसगढ़, शिलोंग ऑफ मेघालय। फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो कुंवर सिंह टेकाम इसके पहले चेयरमैन थे। करंट चेयरमैन की बात करें या करंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये पोजीशंस अभी रिक्त हैं, कोई भी इन पोजीशंस पर नहीं है। नाउ वी विल सी व्हाट इज देयर इन आर PDF। फॉर्मेशन, NCST दिस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब वॉज सेटअप विथ इफेक्ट फ्रॉम 19th February 2004 बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338 एंड बाय इंसर्टिंग अ न्यू आर्टिकल 338A इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। हैंस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहली पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, आर्टिकल 338 इंटर एलिया गिव्स पावर टू द NCST ओवर सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड टू STS शेड्यूल ट्राइब्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बींग इन फोर्स फॉर अंडर एनी अदर ऑर्डर टू द गवर्नमेंट एंड टू एवेल्युएट द वर्किंग ऑफ सच सेफ गार्ड। कॉम्पोजिशन क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड थ्री अदर मेंबर, सेम एज दैट ऑफ शेड्यूल कास्ट, कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट सेम वैसे ही, पांच लोग टोटल होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और तीन मेंबर होंगे, हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वॉरेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। प्रेसिडेंट द्वारा वो नियुक्त किए जाएंगे। एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी अ वुमेन, लेकिन इनमें एक चीज दी गई है कि एक मेंबर कम से कम वेमेन होनी चाहिए। द चेयरपर्सन, द वाइस चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए वो ऑफिस में रहेंगे, मतलब 3 साल की उनका टेन्योर होगा। द मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म, किसी भी मेंबर को 2 से ज़्यादा बार अपॉइंट नहीं किया जाएगा, मतलब रीअपॉइंटमेंट की प्रोसेस है लेकिन सिर्फ एक बार, ठीक है। द चेयरपर्सन हैज बीन गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो चेयरपर्सन होगा उसकी रैंक बराबर होगी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। एंड वाइस चेयरपर्सन हैज द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अदर मेंबर्स हैव द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख देते हैं द ड्यूटीज एंड द फंक्शंस ऑफ दिस कमीशन, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द एससीज। हमने देखा था एससीज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में क्या था, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द एससीज, यहां पर वहां पर एसटीज आ गया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स और अंडर एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, टू इंक्वायर इन टू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द एसटीएससीज। ये इंक्वायर करेंगे अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है किससे रिलेटेड, विद रिस्पेक्ट टू डिप्रीवेशन, अगर किसी एसटीज के राइट्स
को दबाया जा रहा है, सेफगार्ड्स उनके छीने जा रहे हैं। तो टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज इन द प्लानिंग प्रोसेसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एसटीज एंड टू एवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ देयर डेवलपमेंट गेटिंग नेक्स्ट टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच टाइम्स and at such other times as the commission may deem fit report upon the working of those safeguards. ये अपनी report किसको present करेंगे, president को present करेंगे, annually करेंगे या किसी भी time specify में ये अपनी report किसको present करेंगे, president साहब को करेंगे. To make in such reports recommendation as to the measures that should be taken by the union or any state for effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the scheduled tribes. To discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the scheduled tribes as the president may subject to the provisions of any law made by the parliament by rule specify. आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें कोई भी दिक्कत समस्या अगर आपको आती है, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी इन द इंस्टाग्राम. आप ट्विटर फेसबुक से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी सजेशन, आप मुझे कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं. टिल देन, थैंक यू.